जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी गोचर को लेकर के चर्चा चल रही है, जो शनिदेव और राहु देवता का इतना सुंदर योग बना है तुला राशि में। दोनों ही ग्रह गोचर का भ्रमण करते करते अपने गुरु के चरणों में गए हैं, यानी अपनी गुरु की राशि में गए हैं। बहुत ही सुंदर योग जो बहुत लंबे अरसे बाद बनता है। प्रिय दर्शकों, मेरी कुछ दिनों से कोशिश ये रही है कि इसकी विस्तृत जानकारी हर लगन कुंडली में दूं कि ये कहां कहां नेगेटिव और कहां कहां पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कल तक हमने विस्तृत रूप से जानकारी ली कि तुला लगन की कुंडली में जिनके लिए अच्छा है उनके लिए अच्छा फल कैसा देता है, जिनके लिए खराब पड़ा है तुला लगन में उनके लिए खराब फल कैसे कैसे मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की कुंडली, यानी वृश्चिक लगन की कुंडली की। वृश्चिक लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। प्रिय दर्शकों, इसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता, और जो राहु देवता का भ्रमण शुरू हुआ है वो लगन से हट करके अब 12वें भाव में चला गया है वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वाले इसके क्या क्या रिजल्ट भुगतेंगे, हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। पर उससे पहले रोज की तरह ये बता दूं कि सबसे पहले निटल चार्ट में ये देख लीजिएगा कि निटल चार्ट में आपका राहु देवता किस अवस्था में पड़ा है, जिसके आधार स्वरूप आप गोचर का फलादेश कर पाएंगे। अगर स्कॉर्पियो लगन में निटल चार्ट में राहु देवता कहीं अच्छी स्थिति में पड़ा होगा, अगर निटल चार्ट में राहु देवता किसी अच्छे भाव में पड़ा होगा, उच्च का पड़ा होगा, मित्र घर में पड़ा होगा, तो 12वें भाव में गया हुआ भी वो सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता ही मिलेगा। आइए पहले इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। अगर जन्म लगन कुंडली में ये अच्छा है तो 12वें भाव के संबंधी क्या अच्छा फल देगा और इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ डाल करके आपको अच्छे फल देने में ये बाध्य करेगी, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो 12वें भाव में आया हुआ गोचर का भ्रमण राहु देवता का अगर जन्म कुंडली में अच्छा है तो 12वें भाव संबंधी पूर्णता अच्छे फल देगा, यानी आपका विदेश से कोई काम जोड़ सकता है, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, अस्पताल का खर्चा कम हो करके आपको दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी, विदेश से एडिशन किसी कामकाज की हो सकती है, विदेश का भ्रमण हो सकता है, और हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का भी जो 12वां भाव माना जाता है उसमें भी मधुरता आने का सूचक माना जाता है राहु देवता, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा पड़ा है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि 4थे भाव पर डाली तो जिनका भी पेंडिंग बाहर जाने का केस लटका हुआ था उनका स्कॉर्पियो लगन होगा तो उनको निश्चित रूप से बाहर का वीज़ा लगने का पूर्ण योग बनता है। वो बाहर सेटलमेंट होकर के अपना जीवन यापन आसान करने में सदैव आपको सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि राहु देव जितनी दृष्टि 4थे भाव पर डालेंगे 4थे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और 4थे भाव संबंधी दूर ले जा करके भी आपको लाभान्वित करेंगे। जिसका मकान बनने वाला हुआ, गाड़ी लेने वाली हुई, सुख सुविधाओं में इजाफा करने में भी राहु देव सदैव सहायक सिद्ध होंगे, तो 4थे भाव संबंधी दृष्टि डालकर 4थे भाव संबंधी पूर्ण लाभान्वित करते मिलेंगे। दर्शकों, यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके, अपने शत्रुओं को पछाड़ करके पूर्णता अच्छा फल देने में जातक को बाध्य करेगा। तो छठे भाव संबंधी भी राहु देवता की 7वीं दृष्टि पड़ी हुई सदैव जातक को लाभान्वित करती ही मिलेगी। यहां से राहु देव ने 8वें भाव पर जो 9वीं दृष्टि डाली तो 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर डाली हुई मुश्किलों को दूर करने में सहायक होगी, फजूल के खर्च को कम करेगी, जातक के हार्डवर्क के सही रिजल्ट्स उसको मिलने में बाध्य करेगी, जातक का भ्रमण चाहे होगा, विदेश चाहे सेटल करेगी, लेकिन उसकी मुश्किलों को कम करने में सदैव राहु देवता सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये सब उनके लिए होगा जिनका भी राहु देवता नेटल चार्ट में पॉजिटिव रहा है, क्योंकि
स्कॉर्पियो लगन से, मेरा वैसे भी इस लगन से बहुत ज़्यादा इस लगन वालों से प्रेम प्यार बना रहता है। इसके प्यार की वजह से मैं इसकी डेफिनेशन और ज़्यादा अच्छी तरह से देना आपको ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ से राहु देव ने जो आठवें भाव पर दृष्टि डाली वो सदैव आपको लाभान्वित करती मिलेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, जैसा मैं हर रोज़ डिफाइन करता हूँ, इस गोचर को पढ़ने के दो पहलू हैं। पहला पहलू उनके लिए जिनके लिए नेटल चार्ट में वो ग्रह पॉजिटिव पड़ा हो। अब दूसरे पहलू की बात करूं तो दूसरा पहलू उनके लिए जिनकी नेटल चार्ट में ही राहु देवता खराब पड़े हैं, राहु देवता अशुभ स्थिति में पड़े हैं, राहु देव नीच के पड़े हैं या राहु देव अपने शत्रु राशि के पड़े हैं, तो उनके लिए सदैव अशुभता के फल देंगे क्योंकि उनके लिए वो मारक ग्रह माने जाते हैं। तो 12वें भाव में आए हुए राहु देवता फजूल का खर्च बढ़ा देंगे, अस्पताल का खर्च भी हो सकता है, जेल यात्रा तक भी हो सकती है, विदेश का चक्कर लगवा के विदेश की सेटलमेंट में भी आपके पैसे खराब होने का पूर्ण योग बनता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता को प्रॉब्लम्स, माता से मनमुटाव आने का योग बनता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो उसमें भी डिले होने का पूर्णतः योग बनता है। तो चौथे भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी फेलियर की कगार पे ला करके आपको टोटली रिजल्ट नेगेटिव देते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अशुभ हैं और गोचर में आए हुए भी आपको अशुभता के ही फल देंगे। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, सदैव की तरह ये कि जन्म लगन कुंडली आधार है, उसके ब्याह पर ही आप गोचर का निर्णय कीजिएगा कि गोचर में आपको कितना अच्छा या बुरा फल देने वाला है। तो यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर नवम दृष्टि डाली तो बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स होंगी, हर काम डिले होने का योग बनता है, काम देरी के बाद दिक्कत परेशानी आकर के मेंटल पीस डिस्टर्ब होकर के जातक का कॉन्फिडेंस लेवल तक भी लूज होने का योग बनता है और जातक को यह समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे इतने हार्डवर्क करने के बाद भी मेरी मुश्किलें ख़त्म होने का नाम लेने थी, नित नवी मुश्किल से जूझता ही मिलता है वो। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु देवता अच्छे पड़े हैं तो 12वें भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, चौथे भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, छठे भाव संबंधी सातवीं दृष्टि डालकर अच्छे रिजल्ट और नवम दृष्टि आठवें भाव पर डालकर भी अच्छे रिजल्ट देते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ही अशुभ पड़े हैं तो 12वें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, चौथे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, छठे भाव संबंधी की अशुभता के रिजल्ट और आठवें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही आपको सदैव राहु देवता देते मिलेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, इस बात को समझाने के लिए कि आप अपनी जन्म कुंडली पहले रीड कीजिए। जन्म कुंडली आपको न समझ में आए पहली दूसरी बार तो किसी विद्वान की मदद लीजिए, उनसे जाकर के इस बात का सलाह लीजिए या विवेचन करवाइए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में क्या राहु देवता अच्छे पड़े हैं। अगर राहु देवता अच्छे पड़े हैं तो गोचर में जो उनके 3 साल की नीचता का भ्रमण खत्म करके अपने गुरु के चरणी गए हैं तो वो आपको अच्छा फल और शुभता के फल देते मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो ग्रह नेगेटिव पड़ा है तो कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देने वाला, वो सदैव जहां मर्जी जिस मर्जी भाव में चला जाए वो खराब रिजल्ट देता ही मिलेगा। दूसरी बात जिसमें मैं बहुत पहले से जोर देता आया हूं और बार बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि ये बात का निर्णय करने से पहले देख लीजिएगा कि आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह कितने अंश और कितना बलाबल लेकर के बैठा है। जितने अंश मात्र बलाबल लेकर के आपकी जन्म लगन कुंडली में वो बैठा होगा, गोचर का किया हुआ भ्रमण सदैव आपको उतने प्रतिशत ही फल देने वाला है।
गोचर में बदलने से ये मतलब नहीं कि रोज आपके फलों में भी वो बदलाव लेकर के आएगा। आपके लिए वो फल सदैव उतने प्रतिशत ही रहने वाले हैं। इस बात को अगर आप लड़ बांध लेंगे तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा और इसके बेसिक्स को समझ के सही कैलकुलेशन के और नज़दीक पहुंच जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रह वही होता है, लगन कुंडली वही होती है, भाव वही होता है, लेकिन सबके लिए उसका फलादेश अलग अलग होता है। उसका फलादेश का निर्णय आपकी जन्म लगन कुंडली में पड़ा हुआ ग्रह करता है। आपकी जन्म लगन कुंडली पहला स्टेप है। अगर वो आपको सही ढंग से पढ़ना या समझना आ गया तो गोचर उसके ऊपर अप्लाई करके सेम टू सेम आप बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छी कैलकुलेशन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। अगर आपका राहुदेव अच्छा पड़ा है तो सिंपल उसका पाठ पूजन करके और अच्छा रिजल्ट देने में उसे बाध्य कर सकते हैं। और अगर आपका राहुदेव खराब पड़ा है तो कोई भी राहु का छोटा मोटा दान पुण्य आप नित नियम से पकड़ लीजिए, चाहे वो सतनाजा ले लीजिए, चाहे चाय की पत्ती ले लीजिए, चाहे आप बैंगन ले लीजिए, कोई भी राहु का ऐसा दान आप समझ लीजिए कि वो आपको हर सैटरडे को भी करके राहु का पाप प्रभाव दूर करने में मददगार सिद्ध होगा। कंटिन्यूसली अगर आप वो जैसे नारियल भी जल प्रवाह वगैरह कर सकते हैं, आप राहु के बहुत सारे दानों में से जो भी आप इजीली और कन्वीनियंटली कर पाएँ वो ज़रूर कीजिए। और हाँ, जिनका राहु शनिदेव खराब होते हैं उन्हें हम सदैव नीला और काला कपड़ा वर्जित कहते हैं कि आप नीला काला कपड़ा कृपया ना पहने, ताकि राहु देवता और शनि देवता का अशुभ प्रभाव आपकी बॉडी में ना बढ़े। राहु देवता और शनि देवता का अशुभ प्रभाव बॉडी में और ज़्यादा बढ़ जाता है प्रिय दर्शकों, अगर आप वही कलर यूज़ करते हैं। कुंडली में अगर ग्रह खराब हो जाता है तो आपको उस ग्रह के रंगों से परहेज करना होगा। कुंडली में ग्रह अशुभ हो गया है तो उसके रंगों से परहेज करके ही आप अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। जो आपकी कुंडली में सही योग कारक ग्रह हैं उसके रंगों को ज़्यादा एडॉप्ट करके आप अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, रंगों का परहेज जानना या ये देखना लगन कुंडली के हिसाब से मत लेकर के चलिएगा कि मेरी तो जी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, मुझे तो लाल लाल अशुभ ही होगा, नहीं होगा, मुझे तो लाल सबसे अच्छा ही है क्योंकि मेरा लग्नेश है। उसकी प्लेसमेंट सबसे पहले देखिए, कहीं मंगल ही आपका नीच का तो नहीं पड़ा, कहीं मंगल ही आपका 6, 8, 12 में तो नहीं पड़ा, कहीं मंगल ही ऐसी स्थिति में तो नहीं पड़ा कि आपको अशुभता के फल देने वाला हो, और वहाँ आपने सिर्फ लगन देख करके लाल ही लाल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया तो वहाँ भी आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो लगन कुंडली के हिसाब से कलर डिसाइड नहीं होते, कलर कुंडली में पड़े हुए योग कारक ग्रहों से और मारक ग्रहों को देख करके डिसाइड कीजिए कि कौन सा कलर आपके लिए सूटेबल है और कौन सा कलर आपके लिए ज़्यादा शुभ फल देने में लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको ये बात पूर्णतः पहली दूसरी बार में कुंडली देखने में ना समझ में आए तो किसी सही विद्वान से मदद ले लीजिए, उससे पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपके लिए कौन से कलर ज़्यादा शुभ फलकारी हैं और कौन से कलर आपके लिए परहेज रखने चाहिए, ताकि आपके जीवन यापन को आसान करने में ये विद्या आपके लिए सबसे बड़ा स्तंभ साबित हो। क्योंकि हमारी गलतियां अक्सर वही होती हैं, एक तरफ तो हम शनि राहु देव के कर्तव्य का दान शुरू करवा देते हैं और दूसरी तरफ जा तक वो कलर पहनना शुरू कर देता है, क्योंकि अक्सर जेंट्स के पास कलर्स की कमी होती है, ब्लू एंड ब्लैक पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हमारी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। जिस ग्रह का भी आप पाठ पूजन करें, दान करें, नमन करें, उस कलर को जितना अपने से दूर रखेंगे उतना जीवन यापन आसान करने में ये विद्या आपको मददगार सिद्ध होगी, उतने ही आप अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। अगर आपको किसी ने शनिदेव के दान बताए हैं तो काले रंग से सदैव आप परहेज रखें। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.